हेलो को उर्दू में इसलिए नहीं कन्वर्ट किया था ताकि मैं थिएटर कॉम्पिटिशन हारूं। मेरे नोट्स के अरेंजमेंट बनाए थे। स्क्रिप्ट मैन, व्हाट द हेल? सॉरी सॉरी, माफ कीजिएगा। ये कहाँ कहाँ से आ जाते हैं? कम ऑन बॉयज। एनीवे, हाँ, फाइनल सीन। उसकी कसम खाओ और जहन्नुम विसाल हो। वासिल, जहन्नुम वास। गाइस, इट्स नॉट वर्किंग। ये फाइनल सीन है, मुझे इंटेंसिटी चाहिए है जो मुझे नहीं मिल रही। तुम कुछ ज्यादा ही परफेक्शनिस्ट हो रही हो, इससे सिंपल प्ले हो जाएगा। सिंपल? रियली? शेक्सपियर का ओथेलो करना कोई सिंपल टास्क नहीं है, वो भी उर्दू में। लेकिन तुम लोग एक चीज अच्छे से जानते हो कि मैं हारना नहीं जानती, और मैं हर हाल में ये इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन जीतूंगी अगेन। अच्छा, तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारे दिमाग में कोई वाइंड अप करने का आइडिया है? अभी क्लियर नहीं है, लेकिन जब फाइनल सीन स्टेज पे हो रहा होगा और हीरो शक की आग में चलता हुआ अपनी महबूबा का बेदर्दी से कत्ल कर रहा होगा, मैं चाहती हूँ कि हॉल में साइलेंस, सब इतने मगन हो उस सीन में, इतने इन्वॉल्व हो कि वो ये भी ना सोच सके कि हमें गहरी सांस लेनी है, और वो नहीं हो रहा। Again? मुझे खुशी है कि नौजवान नस्ल का एक मकबूल शायर हमारी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। बहुत शुक्रिया सर। और मेरा ख्याल है कि हमारी यूनिवर्सिटी के लिए एजाज भी होगा कि तुम जैसे स्टूडेंट ने हमें ज्वाइन किया, और मैंने तुम्हारे बारे में हेड ऑफ उर्दू डिपार्टमेंट को भी इन्फॉर्म कर दिया है। जी। तुम्हें हमारे उर्दू सेक्शन का जो मैगजीन है उसकी जिम्मेदारी में संभालना होगी। आई थिंक यू आर द बेस्ट चॉइस। मेरे लिए एजाज की बात होगी सर। और अच्छी बात यह भी है कि हमारी यूनिवर्सिटी में आजकल आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स वीक भी चल रहा है, उसके हवाले से भी तुम्हें कुछ जिम्मेदारियां दी जाएंगी। जी सर, मैं हाजिर। उम्मीद है कि तुम उसको निभा सकोगे। जी बिल्कुल। उस्मान, इस तरह करो, इनको हेड ऑफ उर्दू डिपार्टमेंट से मिलवा दो। जी सर। ताकि और काम जैसा हो। बहुत शुक्रिया।